छोटे पर्दे के हिट शो नागिन 4 की लीड एंटरटेनर निया शर्मा आए दिन सुर्खियों में रहती हैं, जिसकी वजह है उनका ग्लैमरस लुक। लेकिन इस बार निया शर्मा अपने लुक की वजह से नहीं, बल्कि अपने डर पर काबू करने की वजह से हेडलाइन बटोर रही हैं। दरअसल निया शर्मा ने खतरों के खिलाड़ी मेड इन इंडिया का खिताब जीतने में कामयाबी हासिल की है। उन्होंने सभी प्रतिभागियों को पछाड़ते हुए खतरों के खिलाड़ी की ट्रॉफी अपने नाम की है। खतरों के खिलाड़ी का टाइटल और ट्रॉफी जीतने के बाद निया शर्मा ने सोशल मीडिया पर तस्वीरें शेयर की। आपको बता दें कि खतरों के खिलाड़ी सीजन 10 को एंटरटेनर करिश्मा तन्ना ने जीता था, जिसके बाद खतरों के खिलाड़ी मेड इन इंडिया को लॉन्च किया गया। हालांकि इस सीजन में भी एक बार फिर गर्ल पावर देखने को मिला। निया शर्मा ने इंस्टाग्राम पर ट्रॉफी के साथ फोटोज शेयर करते हुए लिखा, खतरों के खिलाड़ी मेड इन इंडिया जीत गई। इस खूबसूरत अवसर के लिए कलर्स टीवी और रोहित शेट्टी को थैंक यू। इन फोटोज में निया शर्मा, शो के होस्ट रोहित शेट्टी, पूरे कास्ट क्रू और प्रतिभागियों के संग नजर आ रही हैं। आपको बता दें कि खतरों के खिलाड़ी मेड इन इंडिया को जीतने के बाद निया को सोशल मीडिया पर फैंस के अलावा रवि दुबे, निकितन धीर, सुरभि ज्योति, शांतनु महेश्वरी, नकुल मेहता जैसे टीवी सितारों ने जीत की बधाई दी है। आपको बता दें कि इस शो के फिनाले टास्क में निया शर्मा और करण वाही एक दूसरे को कड़ी टक्कर दे रहे थे। हालांकि कुछ सेकंड के फासलों की वजह से निया ने करण वाही को हराकर शो की ट्रॉफी अपने नाम कर ली। आपको बता दें कि सोशल मीडिया और अपनी प्रोफेशनल लाइफ में काफी बिजी रहने वाली निया शर्मा को अब बिग बॉस 14 का ऑफर दिया जा रहा है। खबर ये भी है कि ये एंटरटेनर इस शो का हिस्सा बन सकती है। हालांकि अब तक चैनल या निया शर्मा की तरफ से इन खबरों की पुष्टि नहीं की गई है। अगर निया शर्मा बिग बॉस के घर में एंट्री लेती हैं, तो ये देखना मजेदार होगा कि खतरों से खेलने वाली यह हसीना घर के विलेन से कैसे डील करेगी।